इंटरवेंशंस जो हैं वो आर्टिज़म के डिसऑर्डर को डील करने के लिए क्या कर सकते हैं हम हम आर्टिस्टिक बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए क्या आ, कोपिंग स्किल्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक इंस्ट्रक्टर जो है वो किस किस्म का प्लान जो है वो तैयार करे जो कि आर्टिस्टिक बच्चे को हेल्प करे उसको अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने में उसको मॉडिफ़ाई करने में उसमें विजुअल इंटरवेंशन विद रिसर्च सपोर्ट्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ स्कैजल्स स्टोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर टीचिंग जिसमें आ, आ ये जो चार चीज़ें हैं इसमें यह है कि यूज़ ऑफ स्केजूअल्स है ये डिफरेंट स्कीजूल हैं जो कि उनके लिए देखे जाते हैं कि आज जो है ये इनका मूड अच्छा है तो आज इनके लिए ये स्कीजूल फिट करते हैं आज जो है इनका मूड ख़राब है तो आज इनका ये स्केजूअल जो है वन आवर का बना लेते हैं टू आवर्स का बना लेते हैं थ्री आवर्स का बना लेते हैं तो एक तो आप उनकी डेली की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक स्केड्यूल फ़िक्स करते हैं उसके बाद हम उनको स्टोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन है क्योंकि अगर उनको हयरिंग लॉस नहीं है सिर्फ आर्टिज़म का प्रॉब्लम है तो हम उनको डिफरेंट स्टोरीज जो है वो सुना भी सकते हैं और पिक्चर की मदद से उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं तो इस तरह उनका जो ब्रेन है उसको इजीली एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इंस्ट्रक्टर के बार बार कहने पे जब ये आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते उनको और बड़ी देर से जा के रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर उसमें इंस्ट्रक्टर की एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लगती हैं और बच्चों की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो भी इतना अच्छा नहीं आता तो जब हम उनको वेबसाइट से और इस तरह से वीडियो से पिक्चर्स के साथ स्टोरी दिखाते हैं तो उसको वो इंजॉय भी करते हैं और टाइम जो है उसके साथ स्पेंड करना भी पसंद करते हैं कलरफुल पिक्चर्स उनको बड़ी अपील करती हैं वो उसको रिस्पॉन्स जो है वो उसके साथ काफ़ी देर तक जो है वो अपने माइंड का एक कनेक्शन बना लेते हैं उनके साथ और वो एक उनकी दुनिया बन जाता है जिसके साथ वो बिज़ी रहना पसंद करते हैं स्ट्रक्चर टीचिंग भी यही चीज़ है कि आप एक स्ट्रक्चर प्लान हर बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएँ और ये प्लान uh, जो हैं ये चेंज होते हैं जैसे जैसे uh, दो दिन का अगर बनाया है और बच्चे की कंडीशन तीसरे दिन डिफरेंट हो गई है तो हमें इसको इंटरवेंशन प्लान को चेंज करना पड़ता है तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड इन मैनी केसेज विजुल सपोर्ट्स आर यूज एज अ पैकेज अलॉग विद अदर इंटरवेंशनस विजुअल सपोर्ट्स भी हैं अगर उनका विजुल का इशू है तो फिर हम उसको भी आर्टिज़म की स्ट्रक्चर टीचिंग के साथ शामिल करते हैं फिर टारगेटेड थेरेपीज़ एंड टारगेटेड स्पीच लैंग्वेज कैन बी यूज टू इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि इन कम्यूनिकेट नहीं करते तो हम बाज़ का स्पीच के अंदर ऐसी मोटिवेशन एड करके इनको पढ़ा सकते हैं जिससे ये आपके साथ कम्यूनिकेट करें ये अपनी रिस्पॉन्स जो हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करते कम्युनिकेशन जो है इनकी पुअर होती है और ये आपके साथ जो है आ, अपनी इमोशंस और रिस्पॉन्स जो है वो शेयर नहीं करते सोशल स्किल थेरेपी यूज़ इसलिए की जाती है कि आर्टिस्टिक बच्चा जो है दे डिसलाइक सोशलाइजेशन दे वांट टू जस्ट इन्वॉल्व विद देयर ओन वर्ल्ड सो टू हाउ टू मोटिवेट देम टू पार्टिसिपेट इन सोशल लर्निंग दैट इज़ आल्सो दैट शुड बी इंक्लूडिड इन टू द स्ट्रक्चर टीचिंग प्लान दैट इज़ प्लान फॉर द आर्टिस्टिक चिल्ड्रन सो ये सारे स्ट्रैटीज़ और प्लान जो हैं इंटरवेंशनस जो हैं ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं और यूज़फुल साबित हुई हैं रिसर्च पिछली के रूह से जो आर्टिस्टिक्स बच्चों को uh, तो उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करती हैं ऑबियसली हम इसको कम्प्लीटली क्योर तो नहीं कर सकते उनके इस डिसऑर्डर को लेकिन हम कम अज़ कम उनको इतना इसकाबल बना दें कि वो छोटी छोटी स्किल्स जो जैसे खाना पीना है उसमें मल्टीपल फूड को रिस्पॉन्स करें और उसके बाद अपनी इमोशंस जो हैं उनके वो थोड़े से अपने पेरेंट्स के साथ अपने इंस्ट्रक्टर्स अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें और साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की एक नॉर्मल जो एक डिज़ायर है उसको भी फुलफिल करें तो ये थेरेपीज़ जो हैं ये स्पेशल स्कूल्स में ही यूज़ की जा सकती हैं और घरों में अगर पेरेंट्स को आप टीच कर दें काउंसिल कर दें तो फिर घर में भी उन्होंने अपने बच्चे को इसी तरह से ट्रीट करना होता है एक स्पेशल बच्चा जो है समझ लीजिए एक पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी है पेरेंट्स के लिए और उसको किस तरह से अगर तो वो उसको बोझ समझ के हैंडल करेंगे तो वो उनके लिए और बोझ बनेगा अगर वो उसको ईज़ करने के लिए उसको ईज़ प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चे को थ्रू दीज इंटरवेंशनस तो फिर उनके लिए आसानी होगी और बच्चे के लिए भी आसानी होगी